नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं जीव विज्ञान के बारे में, बायोलॉजी। ठीक है, तो इसमें 9 चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कोशिका विज्ञान को। अब इसमें बात करते हैं हम लोग 10वें लेक्चर में पारिस्थितिकी के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो आपको पता है, जैसा कि शाकाहारी। किसी परितंत्र में उत्पादकों का क्या कार्य होता है? सौर ऊर्जा को पकड़ना और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य का विकास। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किनकी होती है? प्राथमिक उत्पादकों की। आगे बात करते हैं। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? अपरदन। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? वनों को उगाकर। बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? नदियों पर बांध व वृक्षारोपण करके। मैंगो वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन में। मैंगो वनस्पति का मुख्य घटक कौन सा है? राइजोफोरा। समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती? लवणोद्भिद वनस्पति। आगे बात करते हैं। न्यूनिकित पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण है? शुष्कोद्भिद। आगे बात करते हैं। पादपालय किस प्रकार की सुविधा है? नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही क्यों पुष्पित होते हैं? मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइटस। निके की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? ग्रिनेल्स ने। पारिस्थितिकी शब्द को सबसे सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? रीटर को। जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। आगे बात करते हैं। सौ पारिस्थितिकी का अभिप्राय क्या है? व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। पारितंत्र शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? एजी ट्रेंसले। पारितंत्र की सही परिभाषा क्या है? वातावरण के साथ जीवों का समुदाय जिसमें वे रहते हैं। पारितंत्र के दो घटक कौन से हैं? जीवीय तथा अजीवीय। पारितंत्र का अजीवीय घटक क्या है? जल। किसी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही मार्ग क्या होता है? उत्पादक। शाकाहारी, मांसाहारी, अवघटक। खाद्य श्रृंखला किससे बनती है? उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से। मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? संबंधित पौधों की नई किस्म और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। सामाजिक वानिकी क्या है? सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में।
राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। मरुद्भेदों में मूल तंत्र लंबा क्यों होता है? गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने हेतु जड़ें गहराई में चली जाती हैं। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं, तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन। अधिपादप कैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां वर्षा पूरे वर्ष होती है? कॉफीली कुछ पुष्पी पादपों का किनके बीच एक लाभदायक संयोजन होता है? चींटियों के बीच। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है? सागर। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं, तब हम कैसे उपभोक्ता होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। आंध के देखते हैं। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण है? एक जीव के से दूसरे जीव। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? जलीय पौधों को। पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण क्या है? वायु। हाइड्रोपोनिक्स किन से संबंधित है? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा एकीकरण कौन सा है? हरे पौधे। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3%। मैंगो में खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? जलमंडल। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? जल जीवशाला द्वारा। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्र। ओजोन कितनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय शोध उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है? 9.0 PPM। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? जल हयासिंथ। 2008 से 2012 के बीच ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के अंतर्राष्ट्रीय समझौते को क्या कहा जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? सौ स्थान। अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव कौन सा है? मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में कौन से जीव होते हैं? उत्पादक। विशेषीकृत पौधे ये पौधे के नाम है, उनकी विशेषताएं। एरिमोफाइटस रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले पौधे हैं। लिथोफाइटस इस चट्टानों पर उगने वाले पौधे हैं। सेमोफाइटस ये बालू में उगने वाले पौधे हैं। स्क्लेरोफाइटस एक काष्ठीय झाड़ीदार पौधे हैं। हेलीफाइटस ये अधिक सांद्रता वाले मृदा में उगने वाले पौधे हैं। ऑक्सीलोफाइटस ये अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे हैं। हेलोफाइटस ये दलदल में उगने वाले पौधे हैं। ठीक, तो बात कर लेते हैं कुछ पारिस्थितिकी शब्दावलियों के बारे में। ये शब्द हो गए और इनकी परिभाषाएं या अर्थ हो गए। ठीक, तो अंतराजातीय पारिस्थितिकी क्रिया। ठीक है, अंतराजातीय पारस्परिक क्रियाओं दो भिन्न जातियों की समष्टियों की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होती है। ये क्रियाएं एक जाति या दोनों जातियों हेति प्लस हितकारी प्लस हानिकारक माइनस या उदासीन हो सकती है। जैसे सहोपकारिता जातीय जाति भी, स्पर्धा जातीय जाति भी।
परिभक्षण जातीय जाति भी, सहभोजता जातीय जाति भी, अंतर जातीय परजीव का जातीय जाति भी, फिर है जाति स्पीसीज, अंतरा प्रजनन करने वाली जीवों का समूह, जंतु समुदाय, किसी देश क्षेत्र या काल विशेष में पाए जाने वाले जंतुओं की जातियां, परभक्षी भोजन के लिए प्राणियों का भक्षण करने वाले प्राणी जैसे सर्प बाघ। फिर पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम, यह विचारधारा सर्वप्रथम एजी ट्रेंसले नामक वैज्ञानिक द्वारा 1935 में दी गई। इसके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के सभी जीवीय तथा अजीवीय कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं का द्वारा विघट होता है। खाद्य श्रृंखला फूड चैन, उत्पादकों से प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ताओं तक जीवधारियों की श्रेणियों श्रेणी के द्वारा ऊर्जा के स्थानांतरण की प्रक्रिया खाद्य श्रृंखला कहलाती है। फिर खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक से उपभोक्ता तथा अपघटक तक ऊर्जा का स्थानांतरण सीधी कड़ी के रूप में होता है, परंतु प्रकृति में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर तंत्र बनाती हैं, इसे खाद्य जाल कहते हैं। फिर पौष्टिकता स्तर, किसी खाद्य श्रृंखला में एक विशेष स्थान पर जीवों की स्थिति, ऊर्जा प्रवाह, जैव मंडल की गतिशीलता ऊर्जा एवं पदार्थ की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जैव मंडल में ऊर्जा का मूल स्रोत सौर ऊर्जा से प्राप्त सौर ऊर्जा है। ऊर्जा प्रवाह है जैव मंडल में केवल एक ही दिशा में होता है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और सर्वोच्च उपभोक्ता। एक और रोचक तथ्य यह है कि प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण में केवल 10% ऊर्जा ही एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक पर पहुंचती है, बाकी 90%, इसे लैंडमान का नियम भी कहते हैं, बाकी 90% ऊर्जा प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा के रूप में वातावरण में विमुक्त तो हो जाती है। हम बात करते हैं प्राथमिक उत्पादन, एफिकास संश्लेषी के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा, इसे g^-2 या ऊर्जा के रूप में व्यक्त करते हैं। फिर वह उत्पादकता, जैव मात्रा के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। सकल प्राथमिक उत्पादकता, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर। फिर है नेट प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकता, यह सकल प्राथमिक उत्पादकता से शोषण के दौरान हुई क्षति को घटा देते हैं, तो हम नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होती है। फिर है द्वितीय उत्पादकता, इसको उपभोक्ताओं ने नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया है। आगे बात करते हैं अपघटन, अपघटकों की सहायता से जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल व पोषकों में खंडित करने की क्रिया अपघटन कहलाती है। खड़ी फसल, किसी विशिष्ट समय में प्रत्येक पोषण स्तर पर में जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है, जिसे खड़ी फसल कहा जाता है। पारिस्थितिक अनुक्रमण, यह एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में होने वाला उचित रूप से आकलित परिवर्तन है। फिर है पोषक चक्र, एक पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषक चक्र कहते हैं। जैव विविधता, जैव विविधता शब्द सामाजिक जैव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने हेतु प्रचलित है। फिर प्रदूषण, वायु, जल या भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन
जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों उनकी जीवन पारिस्थितिकी औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक हो प्रदूषण कहलाते हैं। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रदूषित वायु द्वारा सौर ऊर्जा के अधिक धारण या ग्रहण करने से वायुमंडल में ऊष्मा तथा जल वाष्प के अतिरिक्त संचय को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। प्रय भूमंडलीय तापन पृथ्वी के तापमान में वृद्धि मानव द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस प्रभाव का एक दुष्परिणाम है। ग्रीन हाउस गैस के निरंतर बढ़ने के फलस्वरूप पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। प्रय जीव एक जीवित वस्तु पर्यावरण किसी स्थान विशेष में मानव के चतुर्दिक जल स्थल जलवायु मृदा का वह आवरण जिसमें वह घिरा हो। जैविक घटक किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित उत्पादक उपभोक्ता तथा अवघटक का समुदाय जो परस्पर संबंधित होकर पोषक संरचना प्रदर्शित करते हैं। उत्पादक वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता वे जीव जो अपने पोषण हेतु उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता स्वपोषियों पर निर्भर, द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर, पादप उत्पादक में होते हैं। बकरी प्राथमिक उपभोक्ता है, मनुष्य द्वितीय उपभोक्ता है। ठीक, आगे बात करते हैं। अवघटक ये जैव जीव बैक्टीरिया कवक मितोप जीवी हैं जो सड़े गले तथा मृत भागों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अजैविक घटक किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित सभी निर्जीव पदार्थ जैसे ताप जल प्रकाश मृदा अजैविक घटक हैं। पृथुतापी या यूरीथर्मल वह जीव जो तापमान का व्यापक परास सहन कर सकता है। तनुतापी या स्टेनोथर्मल वह जीव जो तापमान का व्यापक परास सहन नहीं कर सकते हैं। यूरी हेलाइन जीव जो लवणता की व्यापक परास के प्रति सहनशील है। स्टेनो हेलाइन जीव जो लवण की कम परास से सीमित होते हैं। लिंग अनुपात नर एवं मादा का अनुपात। जन्म दर समष्टि में दी गई अवधि में होने वाले जन्मों की संख्या। मृत्यु दर दी गई अवधि में समष्टि में होने वाले वाली मौतों की संख्या। समष्टि या जनसंख्या एक विशिष्ट क्षेत्र में जातियों का समूह। समष्टि विकार विस्तारित स्थिर तथा घटती हुई। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में जीवों की संख्या। जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या के आकार में वृद्धि। आगे बात करते हैं। पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है। नीरी मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा। मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। भारत में धारणीय विकास की दृष्टि से कौन से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। जल विद्युत धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय क्या है। प्राकृतिक संसाधन वसुंधरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, याद रखिए विराजी। रेड डाटा बुक किन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटपन्न है। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है। प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है। वन उन्मूलन ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है। पाद उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। मानव गतिविधियां किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन वह बर्डक जो वनस्पति को परावैगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है। फाइकोसाइनिन
सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के। इकोमार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इको टोन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप। कौन एक पेवाल व्यंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। 50 से अधिक देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? 21 मार्च 1994 को। यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी में थे या सत्य तो सत्रु। एक किंतिम पारिस्थितिकी तंत्र किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? जल जैवशाला द्वारा। सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? वन। किसी पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा एक दिवसीय प्रवाह क्षेत्र प्रवाह दर्शाता है? जैव मात्रा बायोमास। मनुष्य किसके द्वारा जैव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? संबंधित पौधों की नई किस्म और पालतू पशुओं की नई नस्ल विकसित करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तथ्यों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। योग्यतम उत्तर जीविता का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन ने। चलिए तो ये था हमारा पारिस्थितिकी से संबंधित 10वां चैप्टर। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे आगे प्रदूषण। ठीक है।